बंगाल में सियासी बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में बीजेपी के पास कमी खल रही है तो सिर्फ एक अदद चेहरे की, जिसका आरोप टीएमसी की ओर से लगातार लगाया जा रहा है। टीएमसी लगातार ये बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि आखिर बीजेपी के पास सीएम पद का दावेदार कौन है, कौन है वो चेहरा जो सीएम के लिए बीजेपी उतारेगी। आपको बता दें, टीएमसी बीजेपी पर हमला करते हुए कहती है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। अब टीएमसी के इस हमले के जवाब में बीजेपी ने बंगाल बीजेपी की महिला नेत्रियों को आगे कर दिया है। बंगाल बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं का पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। इस पोस्टर में बीजेपी ने ममता बनर्जी को बुआ के तौर पर पेश किया है। वहीं बीजेपी के इस पोस्टर पर अब टीएमसी ने फिर से ये एक बार पूछा है कि आखिर बीजेपी बता ही दे कि बीजेपी के पास इन नेत्रियों में से सीएम पद का चेहरा कौन है। कैमरामैन बलविंदर के साथ हिमांशी अरोड़ा की रिपोर्ट। देश की राजधानी में एक भाई को अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल इसलिए जाना पड़ा कि उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, और इसका विरोध उसने किया तो वहां पे मौजूद लोगों ने उसको चाकू से गोद दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि दिल्ली के अस्पताल में एक किशोर की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक कालकाजी इलाके में शुक्रवार को दिन दहाड़े 3-4 लड़कों ने एक 17 वर्षीय लड़के को चाकू से गोद दिया। आरोपित लड़के की बहन से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर उन्होंने किशोर को चाकुओं से हमला कर दिया। वहीं बहन चाकू लगने के बाद भाई का खून बहने लगा, तब वहाँ से कुछ दूर पर मौजूद एक पुलिस वाले के पास गयी और शिकायत की तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें खून नजर नहीं आ रहा है। जब लड़की ने पुलिस वाले से कहा कि मैं पूरी तरह खून से डूबी हुई हूं, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगा, वहां से भगा दिया। फिर बहन ने एक पुलिस वाले के पास गई और शिकायत लिखवाई। मैं स्कूल से आ रही थी अपने भाई के साथ, तो कुछ लड़कों ने मेरे पे कमेंट किया तो मेरे भाई ने उसका विरोध किया। बस इसी बात पे मेरे भाई को उसने मारा और चाकू से हमला किया उस पे। और वो लोग बहुत सारे लोग थे, 5-7-8 जने थे उसमें। कितने लोग थे? 7-8 जने थे वो लोग। और ये क्या रोज होता है छेड़खानी? दो तीन दिन से ये चल रहा था। उन लोग का आना जाना मतलब इधर लगा रहता है, लेकिन ये 2-3 दिन से ये लोग कमेंट कर रहे थे। दिन दहाड़े दिल्ली में ऐसे अपराध होना कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के ऊपर खतरा जरूर नजर आता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। छेड़छाड़ का विरोध करना एक भाई को इसलिए भारी पड़ गया था क्योंकि वो उसका विरोध कर रहा था, हमलेवरों का विरोध कर रहा था। कैमरामैन बलविंदर के साथ सुमन पाल की रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज 3 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है जब किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। और उस बीच लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और वहीं लगातार प्रदर्शन और वहीं कई क्षेत्रों में महापंचायत का भी आयोजन कर रहे हैं। और उस बीच तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। और वहीं किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर धरना दे रहे हैं और कमजोर पड़ते आंदोलन को धार देने के लिए किसान अलग अलग तरह के ऐलान और आयोजन कर रहे हैं। और इस आंदोलन को तेज करने और देश भर में इन कानूनों के खिलाफ लोगों को जानकारी देने के लिए अब किसान एक साइकिल मार्च निकालेंगे और इस साइकिल मार्च से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 8,308 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा। और वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कई जगहों पर महापंचायत का भी आयोजन किया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि विपक्ष भी लगातार किसानों के साथ खड़ा है और समर्थन देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वहीं उनका मेन उद्देश्य भी यही है कि लोगों को कृषि कानूनों के बारे में जानकारी देना। और वहीं आपको बता दें कि किसान अब साइकिल मार्च से उनका मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो लोगों को अवगत कराएं कि वे कृषि कानूनों की मांग पर अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि ये मांगे उनकी पूरी की जाए। कैमरामैन बलविंदर के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किया है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट के माध्यम से बीजेपी से कहा है कि बीजेपी 2 मई के बाद उनके पिछले ट्वीट के बारे में बात कर सकती है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी बंगाल के चुनाव में दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए पश्चिम का चुनाव अहम है। किशोर ने तृणमूल कांग्रेस के स्लोगन और सीएम ममता बनर्जी की फोटो को भी शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी का नारा भी लिखा, बंगाल को केवल उसकी बेटी पे भरोसा है। किशोर ने कहा कि बंगाल की जनता अपने संदेश के लिए तैयार है। आपको बता दें, इससे पहले प्रशांत किशोर ने पिछले साल 31 दिसंबर को ट्वीट करके कहा था कि अगर बीजेपी बंगाल के चुनावों में दहाई के आंकड़े को पार कर देगी तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। बहरहाल पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव होना है। अब ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि बाजी किसने मारी है। कैमरामैन बलविंदर के साथ एएनबी के लिए अदिति की रिपोर्ट। शासन प्रशासन जहां एक ओर गंगा जमुना जैसी नदियों के लिए कई सफाई योजनाएं चला रही है,
लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन बात भिंड जिले के रौन क्षेत्र के चंदौली नंबर 1 पंचायत की जाए तो यहाँ एक तालाब ऐसा भी है, हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं, यहाँ की जो धारा है इस तालाब की बिल्कुल स्वच्छ साफ पानी रहता है। यहाँ के ग्रामीणों का मानना है कि ये तालाब कभी गंदा नहीं हुआ, यहाँ पर काई नहीं लगती, इसकी ऐसी विशेषता बता रहे हैं। लेकिन वहीं इस पंचायत की बात की जाए तो ग्रामीणों का आरोप है कि गांव बहुत गंदा है। आइए इस संबंध में हम ग्रामीणों से बात करवाते हैं। जी दादा बताएं। हमारे गांव में पानी की निकासी नहीं कोई, पूरा गांव बरसात में बिल्कुल नदी है, टापू बन जाता है, कहीं कोई निकलने के रास्ता नहीं है, ना कोई पानी जा के निकले, नाले हैं, कुछ नहीं है। सरपंच ने आज तक कोई कार्य नहीं किया गांव में पानी निकासी। इस तालाब की क्या विशेषता है? इस तालाब की विशेषता है, इस तालाब में कभी भी काई नहीं आया आज तक। अभी आपने देखा कि ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ का तालाब जो कि सिद्ध पीठेश्वर के नाम से जाना जाता है, तालाब स्वच्छ रहता है, लेकिन यहाँ गंदगी करने का आरोप यहाँ की पंचायत पर लगाया है, भ्रष्टाचार पर करने का आरोप लगाया है। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन AP के साथ प्रदीप राजावत भिंड। भारत के लाखों व्यापारियों ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा ई कॉमर्स बाजार व ऑनलाइन बाजार चलाने वाली ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन द्वारा यह मोर्चा खोल दिया गया है, जो ई कॉमर्स कंपनियां ऑनलाइन बाजार चलाती हैं, जिसमें फ्लिपकार्ट और जैसी कंपनियां शामिल है, उनके खिलाफ घेराबंदी की जाएगी और वहीं इनके कार्यालयों पर तालाबंदी की जाएगी। यह जानकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता द्वारा आज 2 दिवसीय अधिवेशन कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान पत्रकारों को चंडीगढ़ में दी गई। दो मुख्य बिंदुओं पर बात हम लोग करेंगे, एक तो खुदरा बाजार कैसे बचे और एक MSMEs को कैसे डेवलप किया जा सके, उन दो बातों पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं सारे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित गुप्ता जी भी और पूरी टीम, हरियाणा के सारी टीम, चंडीगढ़ की पूरी टीम सारी यहाँ पर उपलब्ध है और सभी हम लोग चर्चा करेंगे और कोई निर्णय लेंगे ताकि हम लोग MSME को किस तरह से डेवलप करें, किस तरह से खुदरा व्यापार को डेवलप करें, उस पर रूपरेखा तैयार करेंगे। 2 दिन का ये समिट है जिसमें पूरी तरह से हम रूपरेखा तैयार करके कोई मसौदा कोई भारत की सरकार को देना हुआ तो बस उसको देंगे और कोई आंदोलन का कोई बात करनी होगी तो उस पर हम लोग अमली जमा करेंगे। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज़ के लिए अभिषेक कक्षक चंडीगढ़। जयपुर जनपद में 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आपको बता दें कि मिर्जापुर स्थित सबरी गार्डन में आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर कार्यकर्ताओं को आने वाले पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में को देखते हुए जीत का मंत्र देंगे अखिलेश यादव। नौजवान अब समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गुमराह किया है, बहुत गुमराह करने का काम किया, आज नौजवान जागरूक है। ये कैंप सोशल मीडिया का नहीं है, ये कैंप देश के हालात को लेकर के है, जो आज परिस्थितियां किसानों के सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं, व्यापारियों के सामने, आज हर वर्ग के लोग, खासकर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो दुखी हैं इस सरकार से। तो कितना पूछोगे, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास देखा है, समाजवादी पार्टी का विजन देखा है। मिर्जापुर शहर में नहीं, उस समाज आता राम कुमार सिंह। बस्ती जनपद की हरैया मुख्यालय पर और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ आए हुए हैं जॉइंट मजिस्ट्रेट श्री नंद किशोर कलाल, जो आज प्राइवेट हॉस्पिटलों के अल्ट्रासाउंड का जो रूटीन चेकअप और शासन का जो दिशा निर्देश मिला है वो कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानेंगे कि सर क्या कमियाँ मिली हैं और क्या शासन का दिशा निर्देश है इसमें। शासन का निर्देश ये था कि PCPNDT Act जो है इसके अंतर्गत जन्म से पूर्व, प्रसव से पूर्व भ्रूण का लिंग परीक्षण जो है वो अवैध घोषित किया गया है। इसी के अंतर्गत जो है वो एक साथ संपूर्ण राज्य भर में जो भी अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उनकी जांच की जा रही है। तो आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जिसके अंतर्गत मैं
सी ओ हरैया, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हरैया और ईओ भवनान की एक टीम गठित की गई थी। उसके क्रम में लगभग 5-6 सेंटर्स की हमने जांच की है। कुछ अनियमितताएँ पाई गई हैं, कुछ ऐसी अनियमितताएँ हैं जो कि थोड़ी सी गंभीर प्रकृति की है, उनको रिकॉर्ड कर लिया गया है और उसी के अनुसार रिपोर्ट शासन को और जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी। क्या इसमें जिसमें कमियां पाई गई हैं सर, क्या उनको सील किया जाएगा या उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा? जी, नियमावली में जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई संबंधित विभाग के द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुक्रम में की जाएगी। उसमें हमारे स्तर पर जितने सहयोग की अपेक्षा होगी सारी सहयोग प्रदान करवाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ श्री नंदकिशोर कलाल जी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हरैया। तो इन्होंने बताया कि जो दोषी पाया जाएगा इसमें उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सबलू खान के साथ तौफीक खान, एएनबी न्यूज, बस्ती। मुंबई से सटे न्यू मुंबई के कोपर खैराना पुलिस स्टेशन को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि फिलिप्स कार्ड कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉई कंपनी के साथ काफ़ी हेर फेर किया करते थे। मुखबिरों के खबर पर पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से 8,22,000 रुपए के सामान बरामद हुए। आपको बता दें कि ये आरोपी फिलिप्स कंपनी में काम करते हुए खुद ऑर्डर मंगाते थे और उसमें रद्दी भर कर फिर कंपनी के गोडाउन में रख दिया करते थे। काफ़ी नुकसान और खबर आने के बाद कंपनी द्वारा इसकी शिकायत की गई थी। पुलिस ने बारीकी से जांच करते हुए मुखबिरों की खबर पर जब छापेमारी की तो जो खुलासा हुआ वह काफ़ी चौंकाने वाला था। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की जा रही है। एनबी न्यूज के लिए मुंबई से सूरज के साथ मुरारी सिंह। जनपद गोरखपुर में आज व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग काफी आक्रोशित नजर आया। मामला गोरखपुर जनपद के मोतीराम अड्डा चौकी का है, जहां के चौकी इंचार्ज पर यहां के व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि वो उन व्यापारियों को काफी परेशान करते हैं, जिसके संदर्भ में माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में भी एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित व्यापारी आज जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में ज्ञापन देने आए थे। उनकी अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लिया। सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया है कि जांच कराई जाएगी, कार्रवाई होगी, अगर दोषी आदमी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, मोतीराम अड्डा के व्यापारियों द्वारा वहाँ के चौकी इंचार्ज के विपक्ष में एक एप्लीकेशन दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है कार्रवाई करने के विषय में, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? कि आ जाएगा चौरी चौरा के कुछ व्यापार मंडल के व्यापारी यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी चौकी जो मोतीराम अड्डा है, नहीं मोतीराम अड्डा से यहाँ सर व्यापारी सारे व्यापारी मोतीराम अड्डा के जो भी चौकी दरवाजे उनके खिलाफ उनकी शिकायत है, तो इस शिकायत को ले लिया गया है और इसकी जांच करा रही है सक्षम स्तर से, और अगर कोई भी दोषी पाए तो उसके लिए विधि सम्मत करवाई की। व्यापारियों का ये कहना है कि यहाँ के चौकी इंचार्ज लगातार उन्हें परेशान करते हैं। यद्यपि उन्होंने खुले तौर पर यह नहीं कहा कि वो क्यों परेशान करते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक पुलिस अधिकारी द्वारा व्यापारियों को क्यों परेशान किया जा रहा है। इसके विरोध में आज मोतीराम अड्डा की सारे बाजार बंद रखे गए हैं। कैमरामैन अनिल के साथ मैं रवि गुप्ता, एएनबी न्यूज़, गोरखपुर। उगैती का चर्चित कांड दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अब दो आरोपियों को जमानत मिल गई है। आपको बता दें बीते दिनों जो है आंगनवाड़ी वर्कर की जो है दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, वहीं इस मामले में राजनीति भी जमकर हुई थी। इस मामले ने जो है काफ़ी सुर्खियां जो है वो बटोरी थी। लगातार इस मामले में राजनेताओं ने भी राजनीति करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की थी। पुलिस ने फिलहाल जसराम और बेदराम को इसमें दोषी नहीं माना है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने जो है इस घटना को छुपाने का जो वो प्रयास किया था, जिसके चलते इन तथ्यों के आधार पर इन दोनों लोगों को जमानत मिल गई है। और हत्यारोपी और दुष्कर्म का आरोपी बाबा सत्यनारायण जो है अभी भी अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, वो फिलहाल जेल में बंद है। कैमरा पर्सन सौरभ पाल के साथ मैं जय सिंह, एएनवी न्यूज़, बदायूं।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उपस्थित है मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी के बाहर। आप देख पा रहे हैं कि यह फिल्म सिटी का गेट है जहां पर मीडिया कर्मियों को जाना वर्जित कर दिया गया है। लगातार सुरक्षा लगाकर उनकी चेकिंग जा रही है, उनकी पूछताछ की जा रही है कि अंदर कौन जा रहा है। इसका महज कारण यह है कि फिल्म सिटी के अंदर एक निजी होटल में एक परिवार के साथ करीब 28 लोग कैद हैं। उसमें से दलित साहित्य के गायकवाड़ साहब भी हैं जो लगातार ये मांग कर रहा है कि उनकी होटल को तोड़ा ना जाए। पिछले 25 साल से होटल चलाते हैं लेकिन उसके बावजूद उनके होटल पर तोड़ा कार्रवाई का बीएमसी ने नोटिस दे दिया है। अब गायकवाड़ का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर होटल आर्य प्रशासन उनकी मदद नहीं करता है तो परिवार के साथ उन 28 लोगों के साथ एक साथ आत्मदाह करेंगे, जिसकी वजह से वो होटल में कैद है। हालांकि शटर बंद है और वहीं आर्य फिल्म सिटी प्रशासन द्वारा वहाँ की लाइट और बिजली पानी को कट कर दिया है, यानी कि मूलभूत सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं दलित समाज के जो नेता है रमेश गायकवाड़, उन्होंने मांग की है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। उसकी क्या मांग है, रमेश जी से बात करेंगे। रमेश जी बताइए। हम यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, जो महाराष्ट्र के विचारवंत है, साहित्यिक है लक्ष्मण गायकवाड़ जी, उनको सपोर्ट करने के लिए हम आए हैं। और हमारे शिष्टमंडल ने अभी यहाँ की जो डिप्यूटी MD है गोयल मैडम, उनकी हमने मुलाकात की, शिष्टमंडल उनसे बात की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई वो होटल हमको खाली करना है, गायकवाड़ साहब को देने का नहीं है। और मैं अभी कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी आदमियों के ऊपर, दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो अन्य अत्याचार हो रहा है, इसका एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आपने सुना कि जिस तरह से रमेश गायकवाड़ का साफ तौर पर स्टैंड है कि महाराष्ट्र सरकार के इस पूरे मामले में गंभीरता लेते हुए तुरंत इस पूरे मुद्दे पे फैसला लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में अगर दलित समाज के गायकवाड़ आत्महत्या करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सरकार को मढ़ा जाएगा। और यही ये भी रमेश गायकवाड़ ने साफ कर दिया है कि अगर पिछले 2 दिन के बाद इस पूरे मामले में सरकार संज्ञानता नहीं लेती है तो सोमवार से इसी गेट पर बैठकर वो अपनी पार्टी के साथ तमाम दलित नेताओं के साथ आंदोलन करेंगे, उसका जिम्मेदार महाराष्ट्र सरकार होगी। कैमरा पर्सन सो गुजर में पत्रकार सोनी NB न्यूज मुंबई। इस समय मथुरा के वृंदावन में खड़े हुए हैं जहां आज कुंभ मेले का स्नान नान को लेकर यहां शारदालुओं का जनरल लाभ देखने को मिल रहा है। यहां करीब हजारों की संख्या में शारदालु जमुना मैया में स्नान कर रहे हैं और कुंभ मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसको देखते हुए हम आपको ये भी दिखाएंगे तो किस तरह यहां शारदालुओं के द्वारा और साधु संतों के द्वारा यहां कुंभ का पहला स्नान आज किया गया है। उसको लेकर यहाँ हजारों की संख्या में शारदालु गंगा मैया यमुना मैया में
पोते लगा रहे हैं। यहाँ मथुरा प्रशासन के द्वारा भारी मात्रा में फोर्स भी तैनात की गई है, जिससे आने वाले लोगों को किसी भी समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़े। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANBD। लगातार सरकारी कर्मचारियों पर हमले की बात सामने आ रही है। मेरी टीम, मैं अपनी टीम के साथ लगभग 12:30 बजे के आसपास मोहल्ला कललान में एहतसाम के यहाँ पे पहुँचा, एहतसाम के परिसर पे पहुँचा, जिसपे 15,500 रुपये बकाया था। वहाँ पे मैं मेरी टीम के द्वारा कनेक्शन काटने के लिए कहा गया, तो कनेक्शन काट जैसे मेरा कर्मचारी कनेक्शन काट रहा था, तो कनेक्शन काट के नीचे उतरा, तो एहतसाम मौके पे आए, उन्होंने कनेक्शन काटने का विरोध किया और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, जिसमें मेरे को गंभीर चोटें आई हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ वह मेरे और अभियंता के साथ, ठीक है, दोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की है और खींच के वो मेरे को अंदर लेके जाने लगे, अपने घर में ज़बरदस्ती लेके जाने लगे। और आपको बता दें, कल कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस वालों पर हमला किया गया, जिस पर 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आज नगीना तहसील अंतर्गत आपको बता दें, बिजनौर के नगीना कलालान मोहल्ले पे विद्युत विभाग की टीम वहां बकाया भुगतान लेने के लिए वहां पहुंची, और बताया जा रहा है वहां पर विद्युत विभाग की टीम के साथ अभद्रता की गई और 1.5 घंटे तक SDO को बंदी बना के रखा गया, उनके साथ मारपीट भी की गई। अब फिलहाल SDO महोदय ने थाना नगीना में तहरीर दे दी है। अब देखना यह है कि आला अधिकारी इस मामले पे पूरा क्या एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई हो पाती है। वहां स्थानीय विधायक भी पहुंचे और स्थानीय विधायक भी वहां पर SDO महोदय पे ही भड़कते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANBD न्यूज, बिजनौर। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने पर कुर्मी समाज अयोध्या में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है। देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, आज उनके नाम पर बने 1983 में बने सबसे बड़े स्टेडियम का नाम बदल कर करके प्रधानमंत्री महोदय ने अपने नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम करने का काम किया है, जिससे आज पटेल अनुयायी सारे बहुत दुखी हैं, आक्रोशित हैं, और आप लोगों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन विरोध करना चाहते हैं और चेताना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने सरदार पटेल का नाम बदलने की कोशिश की है, असफल प्रयास किया है। भारी संख्या में पहुंचे अयोध्या में कुर्मी समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष कुर्मी समाज के जयकरण वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से एक महापुरुष का अपमान करना निंदनीय है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम रखना कुर्मी समाज को आहत करने का काम कर रहा है। अगर इस स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रखा गया तो कुर्मी समाज आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। वीडियो पर्सन धर्मेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, ANBD न्यूज चैनल, अयोध्या। दिल्ली के प्रताप नगर इलाके के अंदर एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इस फैक्ट्री के अंदर अलग अलग छोटे छोटे काम किए जाते थे, मगर ये लगभग 150 गज के अंदर बनी हुई थी, मगर जिस तरीके से इसके अंदर हादसा हुआ, यानी कि आग लगी और आग लगने के कारण पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया गया। देखिए, यहाँ की स्थिति ताजी जो है, यहाँ गोडाउन थे और निकल पॉलिश का काम होता था, गाड़ियों के कवर थे, उसमें एक आदमी की डेथ हो चुकी है और एक सीरियस है जिसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। 2-3 साल पहले भी इसी रोड पर एक बिल्डिंग में आग ऐसे ही लगी थी, और हमारी सरकार, हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, ये हादसा जो फिल्मिस्तान पर हुआ था, जिस तरह कि मालिक अंदर लेबर को छोड़ कर ताला लगा कर निकल जाती है, वही सेम काम ये यहाँ पर भी था कि बाहर मालिक सुबह रात को शाम को ताला लगा कर निकल गए और लेबर रात को काम करती थी। इस तरीके से आग पर फायर विभाग की तरफ से काफ़ी मशक्कत की गई, 28 गाड़ियां मौके पर रही, आग पर काबू पाया गया, लगभग 40 लोगों को बाहर भी निकाला गया, मगर इस हादसे के अंदर 2 लोगों की जान भी चली गई। मगर दिल्ली सरकार के कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं मौजूद हुआ, मगर MCD के जो महापौर थे वो मौजूद हुए और उन्होंने जांच का विश्वास दिलवाया कि जांच की जाएगी, अगर कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मगर जो व्यक्ति मरे हैं, यानी कि 2 लोग जो इस हादसे के अंदर मरे हैं, उनके लिए मुआवजा भी MCD करवाएगी मुहैया। देखना होगा इसके अंदर कितनी बड़ी कार्रवाई होगी दिल्ली पुलिस की तरफ से।
कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एन डी न्यूज़। की जिला अदालत ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। ये मामला जो है ग्राम बिहिका थाना पूरा मुक्ति का था। वादी शिव शरण ने जो है 18/3/16 को थाना पूरा मुक्ति में ये प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरा पुत्र कंचन जो है रात में अपनी पत्नी गौरी उम्र 30 वर्ष व 3 लड़कियां कुमारी तरना 11 वर्ष, तन्नु 9 वर्ष, तिरसा 7 वर्ष के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के जो है आग लगा दी है, जिससे तीनों पुत्रियां मौके पे ही मर गईं और बहू को लेके वो प्रयागराज गया, वो भी रात में ही दम तोड़ दिया। वो ये मामला जो है अपर जिला जज प्रथम कौशाम्बी श्री रमेश कुमार यादव जी के यहाँ चला। 10 गवाह पेश किए गए, पत्रावली का रोशन साक्ष के बाद उन्होंने दोषी पाया अभियुक्त कंचन को आजीवन कारावास। बता दी कि पति पत्नी का आपस में कहासुनी को लेकर रोज झगड़ा होता था। अचानक झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। 18 मार्च 2016 की रात में आरोपी कंचन ने अपनी पत्नी और 3 बच्ची के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उन्हें जिंदा जला दिया। मौके पे 3 लड़कियों मासूम की मौके पे मौत हो गई। पत्नी को स्वरूप रानी हॉस्पिटल इलाहाबाद ले जाया गया, जहां कुछ घंटों के बाद पत्नी की मौत हो गई। अदालत ने 10 गवाहों की सुनवाई करते हुए आज जिला अदालत न्यायाधीश रमेश कुमार यादव ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुना दी और 2,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ऐमान अहमद, एनबी न्यूज, कौशाम्बी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बढ़ते चरण को देखते हुए बालाघाट प्रशासन के लोग सजग हो चुके हैं। आज यहां देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में मास्क का उपयोग करने की विशेष सलाह दी गई है। यहाँ के लोग, यहाँ पे शासन प्रशासन के लोग काफ़ी सजग नजर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की स्थिति को देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपना मास्क का प्रयोग कर रहा है, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहा है। 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए उन्होंने यहाँ पे काफ़ी विशेष अभियान चलाया है और इस अभियान के अंतर्गत रोको टोको अभियान में जिला प्रशासन काफ़ी सजग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्री जैसे लोग यहाँ पर इस क्षेत्र में चल रहे हैं और उन्होंने भी अपने